गाइस वेलकम टू दोहरी बात। तो गाइस आज हम आए हैं यासिर रोस्ट, यहाँ की हम कढ़ाई ट्राई करेंगे और इस पर आपको रिव्यू देंगे। अगर एम्बियंस की बात करें तो बहुत ही डिसेंट सा सेटिंग है, जैसे कि आप देख सकते हैं कलर्स में कितना प्यारा कॉम्बिनेशन है। अभी हम अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, उन्होंने हमें तसल्ली के लिए रायता दे दी है कि रायता रखें, बाकी माल आ रहा है। जी खाना हमारा सर्व हो रहा है फुल शाही अंदाज से। अच्छा जी, वाइट कढ़ाई ये हाफ मंगवाई है हमने। हाँ जी, ये काफी हाफ है वैसे दो लोगों के लिए, बहुत है। तो देखने में तो बहुत ही खूबसूरत लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वाइट कढ़ाई। तो अभी लोगों की बड़ी कोशिश है जैसे मैं कैमरा बंद करूं और टूट पड़े, लेकिन आखिर हमने ही खाना है। अच्छा, नान इनके बड़े क्रिस्पी से हैं, ठीक है। इनके हमने सादा नान करवाए हैं, साथ ये वाइट कढ़ाई करवाई है, रायता करवाया। फुल नान गर्म है, तबाह होने लगी है जी कढ़ाई। अच्छा वैसे उन्होंने 20 मिनट का टाइम दिया था, 20 मिनट से पहले ही आ गई है, फुल गर्म है। बहुत ही यमी है, टेस्टी है और क्रीमी, फुल मज़े का टेस्ट आ रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि इसके साथ हमने रायता करवाया, लेकिन इसका टेस्ट करने के बाद मुझे फील हो रहा है कि रायते की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि खाना बिल्कुल स्पाइसी नहीं है। अगर स्पाइसी होता तो शायद वो रायता ज़रा कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसे ही एज इट इज़ खाएँ और बहुत ही आला किस्म का टेस्ट आ रहा है। इतना टेंडरनेस है ना चिकन में कि फुल रेशमी काम है, ठीक है। अच्छा मैं ना नान के साथ बाद में ट्राई करूँगी, पहले मैं सिर्फ इसका ना अपना टेस्ट देखना चाह रही हूँ कि वो कैसा है। तो ये बोटी के साथ खूब सारे इसकी ग्रेवी लगा के। अच्छा जो चिकन है ना वो तो इंतहाई सॉफ्ट है, ऐसे जैसे मलाई की तरह। दूसरा ये कि नो डाउट क्रीमी सा टेक्सचर है उसका, ऐसे क्रीम और चीज़ जैसा टेस्ट आ रहा है, मज़ा करा रहा है। लेकिन अभी इसको ना मैं नान के साथ ट्राई करूँगी कि नान के साथ कैसा लगता है। मैं ये साथ हरी मिर्च भी है, वैसे तो ये लाइट्स है लेकिन क्योंकि हरी मिर्च है तो वो एक थोड़ा स्पाइसी सा टेस्ट देगी, तो उसको भी साथ ही खाऊंगी मैं। बड़ा सा ऑप्टिमम सा वाइट बन गया, अब खाते हैं इसे। और मेरा ख्याल है इसका मज़ा भी इसी बर्तन के अंदर है, लोग कुछ बर्तन से निकाल के स्पेशली प्लेट्स वगैरह में डाल के खाते हैं, लेकिन जो उसका मज़ा है ना, वो जायका और जो उसका गर्म रहना वो इस कढ़ाई के अंदर ही है। तो अगर आप अपने आप को ज़्यादा डिसेंट शो करना चाहें और इस चक्कर में प्लेट्स में निकालें तो वो आपकी मर्ज़ी है, अदरवाइज़ मेरा ख्याल है कि इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। अच्छा अपना टेस्ट उसका क्रीमी सा लाइट सा है, लेकिन जो अंदर की हरी मिर्च है ना इसके साथ मैंने बाइट लिया और इसने इतना कोई स्पाइसी सा टेस्ट दिया ना, लेकिन इससे मज़ा मतलब वो एक लाइट पूरा टेक्सचर लाइट सा आ गया क्रीमी का, लेकिन ये जो स्पाइस करवा रही है ना उसमें बहुत मज़ा आ रहा है उसका। तो मेरी तरफ से तो फुल्ली रिकमेंडेड है। अभी हम इस खाने को पूरा एंजॉय करते हैं, बाकी फ़ाइनल रिव्यू आपको एंड पे दोबारा से दे देंगे और मज़ीद कुछ हमें इसमें एडिशन करती हो तो वो भी बता देंगे। ले जी, तो खाना हो गया ख़त्म, तो खाना तो बहुत मज़े का था। अभी बताते हैं आपको बिल, तो बिल हमारा बना है 1720, जिसमें 4 नान थे, कढ़ाई थी, बॉटल्स और ये सब, हाँ पानी की एक बड़ी बोतल थी और कढ़ाई थी। तो गाइस लोकेशन की बात करें तो हम आए थे यासिर ब्रोस, जो कि अकबर चौक पे KFC की बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है, जो कि आप इंटरनेट से इजीली देख के आ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियो मिलती रहे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।